नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24 बिहार की राजधानी पटना में। इस वक्त हम मौजूद हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव का महापर्व इस वक्त चल रहा है। और अगर बात करें बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद हैं और चार चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, बाकी हैं तीन। जी, आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और सरकार ने कितनी मदद की है, कितनी नहीं की है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से धरातल पर उतरकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर सरकार की तरफ से काम कितनी हुई है, चाहे बात करें रोड्स की या फिर बात करें डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट और रोड तो दिखते ही हमारी आंखों से, लेकिन गरीबों तक जो योजना निकाली जाती है, जो आर्थिक रूप से उतने ज़्यादा कह सकते हैं कि पायदान पर नहीं है, उनसे अगर हम बात करते हैं तो वो जहाँ तक अपनी परेशानियाँ बता पाते हैं, वो असल मायने में ये दिखाती है कि आखिर योजनाओं का लाभ कितना उन्हें मिला है, सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया है। और आप हमारे चैनल पर अगर लगातार बने होंगे तो आपको पता होगा कि धरातल पर उतरकर हमने रिक्शा वालों से बात की, ऑटो चालकों से बात की, चाहे उनसे बात की जो आर्थिक रूप से उतनी ज़्यादा सही नहीं है। धरातल पर उतरकर हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आखिर सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें कितना मिला है। देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, पटना जू के ही पास हैं, जो कि कह सकते हैं कि फैसिलिटी के मुकाबले आप रोड से पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलप सरकार ने इसको किया है। बहुत लोग इस पर एलिगेशन ये लगाते हैं कि सरकार ने इसको डेवलप इसलिए किया है क्योंकि यही सरकार के आने जाने का भी रास्ता है, जहां से सरकार गुजरती नहीं है वहां का रास्ता डेवलपमेंट में आता ही नहीं। देख सकते हैं एक पोस्टर है हमारे पीछे, पढ़कर आपको बताते हैं कि 5 साल में केवल 5 मिनट का समय निकाले, 1 जून को वोट अवश्य डाले। जी हाँ, आपको बताते हैं कि पोस्टर में जो लिखा हुआ है कि 5 साल में केवल 5 मिनट का समय निकाले और वोट अवश्य डाले। जी हाँ, यहाँ पर पोस्टर का अर्थ यही है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, 5 साल में जितने कार्य हुए हैं उसको ध्यान में रखकर 5 मिनट का समय निकाले और वोट अवश्य डाले। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद हैं और पूरे भारत की अगर बात करें तो बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम वोटिंग हुई है। जी, आपको बता देते हैं कि रीढ़ की हड्डी कही जाती है राजनीति की, यानी बैकबोन ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है बिहार को, और उसी बिहार में सबसे कम अगर वोटिंग होता है तो साफ तौर पर ये दिखाता है कि आखिर यहाँ के लोग उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। वहीं अगर लोगों से उतरकर धरातल पर सवाल करते हैं कि आपने वोट क्यों नहीं दिया है तो लोग यही कहते हैं कि हम वोट भैया क्यों दें। जी हाँ, हम हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि हम वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वर्तमान जो सांसद हैं उन्होंने काम नहीं किया है। चाहे पाटलिपुत्र में उतरकर हम रामकृपाल के बारे में पूछें, पटना साहिब में उतरकर रविशंकर के बारे में पूछें, या फिर काराकाट में उतरकर हम उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछें, वहाँ की जनता यही कहती है कि हमारे सांसद कोई भी काम नहीं किया है इसलिए हम वोट नहीं देंगे। जी हाँ, वोट हमारा अपना अधिकार है, लेकिन अगर बिहार की राजधानी पटना और बिहार के लोगों से हमें जानने को मिलता है कि यहाँ के सांसद ने कार्य नहीं किया है और यहाँ के सीएम ने कार्य नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो ये पोस्टर है, देश का पर्व, देश का गर्व और चुनाव का पर्व को लेकर यहाँ पर एक मतदान अब बस चंद दिनों दूर, यानी कि आपको बता देते हैं कि 4 जून वो दिन है जब परिणाम आने वाला है कि लोकसभा चुनाव कि गद्दी आखिर किसके हाथ में जाएगी। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको पढ़कर हम बता देते हैं पोस्टर से कि किसी भी प्रकार की सहायता है तो टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें। और साथ में सब कुछ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, और ऊपर में जो बात लिखा हुआ है 5 साल में केवल 5 मिनट का समय निकाले, 1 जून को वोट अवश्य डाले, उसी से संबंधित यहाँ पर हम खबर बना रहे हैं। जी हाँ, ये खबर बनाने का कोई ऐसा नहीं था कि हम पहले से सोच कर आए थे कि हम ये न्यूज़ बनाएंगे और उसके बाद आकर यहाँ कवर कर रहे हैं। हम यहाँ पर आ रहे थे, रास्ते से चल ही रहे थे कि रास्ते से चलते हमें ये पोस्टर दिखा। अक्सर हम ये पोस्टर रोज़ देखने को मिलता है क्योंकि हर गली, हर चौक, हर चौराहे पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन हमारे मन में आया कि जो इस पर बात लिखी गई है कि 5 साल में केवल 5 मिनट का समय निकाले तो वो जनता से ही जानना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि क्या 5 मिनट का समय निकाल कर जो सरकार कह रही है वोट डालने को, क्या आप उससे सहमत है, क्योंकि 5 साल में सरकार ने कितने कार्य किए हैं उसके बारे में इस पोस्टर पर लिखा जाना चाहिए था। इस पोस्टर पर ये लिखा जाना चाहिए था कि 5 साल में सरकार ने इतनी योजनाएँ लाई, 5 साल में सरकार ने इतने काम किए, 5 साल में सरकार ने इतनी विकास की, इतनी डेवलपमेंट की, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिखा, यहाँ पर सीधे ये लिखकर पोस्टर लटका दिया गया है कि 5 साल में 5 मिनट का समय निकाले और वोट दें। जी हाँ, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जनता जहाँ पर सीधे ब्लेम कर रही है कि कोई भी कार्य नहीं किया गया है तो क्या लोकसभा चुनाव के ख़त्म होते ही जो भी रिजल्ट आएगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर किसके हाथ में गद्दी जाती है। हम ऐसे ही खबर बना रहे थे और ये आपको दिखाया हमने कि किस प्रकार से एक बिहार की राजधानी पटना के एक कह सकते हैं कि A+ रोड पर जो पोस्टर है उसको लेकर हमने खबर दिखाई। अब आपके हाथ में वोट दीजिए और सही नेता को वोट दीजिए, सही पार्टी को वोट दीजिए जो आपके लिए लाभकारी साबित हो। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहे न्यूज़ 24। मैंने अपने सभी मनोज के साथ, धन्यवाद।